मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में आज के बाद तुम नहीं रहोगी। दोस्तों, सूरज चौधरी की मौत के बाद सपना चौधरी की अपने छोटे बेटे से शादी करने का जो फैसला था वो साजवीर चौधरी के खुद के माँ बाप ने ही लिया था। जी हाँ दोस्तों, बड़े बेटे के खोने के बाद वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहू और उनकी पोती कहीं बाहर जाए शादी करे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी खुशी खुशी अपनी बड़ी बहू से करवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, उन्हें ये लगा था कि ऐसा करने से परिवार में फिर से खुशियां वापस आ जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। फिर अचानक राजवीर चौधरी के गुजरने के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। जी हाँ दोस्तों, उड़ती उड़ती खबर आई थी दोस्तों कि सपना की सास ने कहा था कि सपना की वजह से सब कुछ हुआ और सपना को घर से निकलने को कहा था। जी हाँ दोस्तों, पर किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि ये वही सास थी जो अपनी बहू को पलकों पर रखती थी। हमारे रिपोर्टर्स ने जब इस बात की छानबीन करी तो पता चला ये सब बात झूठ है। असल में सपना चौधरी की जो सास ससुर है वो इतने अच्छे हैं कि दोस्तों हर लड़की ये दुआ करती है कि उनके सास ससुर को ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने बड़े बेटे को खोने के बाद भी उन्होंने अपनी बहू को कभी बहू नहीं समझा, उन्होंने एक लड़की का दर्द समझा कि आखिर सपना पे क्या गुजर रही होगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी करवा दी थी अपनी बहू से और उन्होंने ये चाहा था कि उनकी बहू हमेशा उनकी बेटी बन के उन्हीं के घर में रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सब बातें, सब मनगढ़ंत कहानियाँ फैलाई गई है। कुछ नेगेटिव लोग सपना